जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम अपने रिश्तों को बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। ताउम्र जब तक जीते हैं हम अपने रिश्तों में ही खोए रहते हैं, और जब हम जीवित रिश्तों को निभाते हैं तो इसके साथ साथ ही एक और, जहां किसी का भी हमारे घर से जब देह अवसान हो जाता है तब उनके देहांत के बाद भी हम उस रिश्ते को निभाते हैं, और वह निभाते हैं पितृदेव के रूप। दोस्तों, हम अपने रिश्तों को जितनी खूबसूरती से निभाते हैं उतना ही हम आनंदित भी होते हैं, और हमारे मन को चैन सुख आनंद प्राप्त होता है। परंतु मनुष्य है कि गलतियां तो कुछ ना कुछ होती रहती हैं। जब मनुष्य कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिसका कि वह सोचता है कि यह मुझसे गलती हो गई, उसके बाद यदि कोई समस्या हमारे घर में आ जाती है तो फिर हम सोच लेते हैं कि मेरी इस गलती के कारण पितृदेव नाराज हो गए, और अब यह सारी विपत्ति पितृदोष के कारण आई है। जब हम बार बार में ऐसा कहेंगे, बार बार में किसी के प्रति भी कोई मुझसे नाराज है, तो सचमुच में वो नाराज हो जाते हैं। अन्यथा दोस्तों, इस प्रकार की शंका अपने मन में ना पालें। परंतु यदि ऐसा हो भी गया, आपको लगता है कि आपके पितृदेव नाराज हैं, तो बड़ा छोटा सा उपाय, अमावस्या के दिन अपने थोड़े से घर में चावल उबाल लें, नहा धोकर के और अपने पूर्व की ओर मुख करके बैठें, सामने देसी घी का दीपक जला लें और उसके सामने अपने थोड़े से चावल एक कटोरी में रख लें, जल का पात्र रख लें, और आपने अपने पितृदेवों का सिमरन करके, अब यह जो देसी घी का दीपक जलाया, इसके सामने आपने चावल रखे, उसके सामने आप बैठ गए, आपका मुंह पूर्व की ओर, पास में आपने जल रख लिया। इतना सा काम करने के बाद आपने अपने पितृदेवों का ध्यान करना है और तीन बार यह जो मैं बोल रहा हूं यह बोलना है, ओम श्री पितृदेवाय आवाहयामि नैवेदम निवेदयामि, यह तीन बार बोल। ओम श्री पितृदेवाय आवाहयामि नैवेदम निवेदयामि, ये तीन बार बोलना है, और बोलने के पश्चात आपके पास में जो जल रखा है थोड़ा सा हाथ में ले लेना है और उसे अपने जहां चावल रखे हैं उसके चारों ओर घुमाते हुए छोड़ देना है। ओम आचमनियम समर्पयामि, यह भी आपने तीन बार ही करना है, फिर थोड़ा जल लेना है, ओम आचमनियम समर्पयामि, ऐसा तीन बार ही करना है। बस दोस्तों, कटोरी में जो चावल हैं जो वो अपने साथ में ले लें, और जहां पर पीपल का वृक्ष है उसकी जड़ में छोड़ देना दोस्तों,
खाली कटोरी को घर वापस ले आना। अब जो जल रखा है उसको किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना। दोस्तों, एक दिन का प्रयोग बताया है मैंने, यदि इस प्रयोग को आप कर लेंगे महीने भर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पितृदेव कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगे। कितना आसान प्रयोग है, महीने में एक बार अमावस्या के दिन कर लिया करें दोस्तों, अब पितृदेव सदा आप पर प्रसन्न रहेंगे। और पितृदेव प्रसन्न तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को अवश्य बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, अपने लाइक का ही ध्यान रख लें। शेष फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।